You are watching SBR News 1. Today's news updates, let's watch. मेरे दिल में अरमान मदीने के रहते हैं, मेरे दिल हमारी इनसे इतनी ही इल्तिजा है कि आप लोग एक बहुत बड़े आप और जितने लोग इस इंतखाबात में हिस्सा लिए हैं, कोई चुन के आया होगा कोई नहीं आया होगा, सब मिल बैठ कर आपस के साथ इदारे के फलाह के लिए काम करें और हमारे से जो भी इस इदारे के लिए आपको जो मदद चाहिए वो हम करने के लिए मतलब यह है कि आप इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अगर काम करेंगे तो ना सिर्फ इस इदारे को हम की तरक्की हम कर सकेंगे और इस मोहल्ले में चाहे नमन का अच्छा माहौल बना सकते हैं। और बहुत खदीम इदारा है, कोई मामूली इदारा नहीं है, बहुत खदीम इदारा है, बड़े बुजुर्ग के नाम पर इदारा है, तो उसका लिहाज रखते हुए हम सबको काम करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्या ये जितने लोग चुन के आए उन्होंने एक अच्छे तरीके से एक हल्स का एक सिस्टम बनाया, मस्जिद में खड़े होकर इन्होंने ये हल्फ लिया है कि और ये वादा किया है कि इस इदारे के को महफूज रखेंगे, इसकी तरक्की करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे और जो नई चुने हैं उनको भी यहाँ बुलाएंगे। तो एक अच्छी मिसाल कायम की है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में दूसरे इदारे के जितने अराकीन हैं, जिम्मेदार अराकीन हैं, वो भी ऐसा यही सिस्टम को फॉलो करें और हम और आप सब मिलकर हमारे जितने वफ के मिल्कियत बचाएँ, क्योंकि ये हमारे आबा व अजदाद ने आने वाली नस्लों के लिए वफ किए हैं, तो हम इसको संभालना, इसकी तरक्की करना और आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना ये हमारी जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जितने इराकी हैं ये करेंगे। अल्लाहुल अज़ीज़ तमाम नाज़रीन के लिए, नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज का ये हलफ बरदारी का प्रोग्राम कामयाब रहा, शुरका ने हमारे लिए दुआओं की बौछाड़ कर दी। अल्लाह से मेरी दुआ है कि हमारी तमाम मजलिस मुंतज़िमा अहलियान मोहल्ला और किराएदारान पर यूं ही बार रहमत बरसती रहे और हमारे जो मंशे हैं इदारे की मिल्कियत को लेकर या तरक्की के कामों को लेकर या अहलियान मोहल्ला के ज़रूरतमंद अहबाब को लेकर, इन तमाम हमारे मंशों में अल्लाह ताला हमें कदम ब कदम कामयाबी अता फरमाए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके जो जो मकासिद हैं उन मकासिद को अल्लाह जिन जिन मकासिद से राज़ी होगा इंशाअल्लाह वो सब मकासिद पर हम काम करने की जद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह कदम ब कदम कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। नहीं है अगर अच्छा प्लान बना करके ये हजरात काम करें तो कौम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा और हम चाह रहे हैं कि जो कमेटी आई है ये तालीम पर खसूसी तवज्जो दे, जैसे SSC PUC के बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर कायम करना, इन्होंने बहुत से रिफाई काम भी बताए, उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन तालीम पर ख़ास तौर से दीनी तालीम और असली तालीम दोनों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इन्होंने जो इलेक्शन में वादे किए हैं और जिस उम्मीद और भरोसे पर लोगों ने इनको मुंतखब किया है ये अपने ऐलानात और ये जो वादे किए हैं उस पर ज़रूर पूरे उतरेंगे। हमें उम्मीद है कि इदारे की खूब से खूब तरक्की होगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन सब को मिलकर इदारे को आगे बढ़ाने की तरक्की पर ले जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।